वहीं भिलाई में संचालित एलाइट कराटे एकेडमी के माध्यम से दिल्ली ओलंपिक से मान्यता प्राप्त टैंक सूडू खेल के राष्ट्रीय स्पर्धा में छत्तीसगढ़ की टीम ने 5 मेडल जीतकर अपना परचम लहराया है। यह खेल कराटे से मिलता जुलता है और अब इस खेल में अपनी किस्मत आजमाने के लिए खिलाड़ी आगे आ रहे हैं। 13 मई से 16 मई तक गुड़गांव दिल्ली में 8वीं ऑल इंडिया टैंक सूडू राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें खास बात यह रही कि छत्तीसगढ़ की टीम ने अपने 8 खिलाड़ियों और एक मास्टर के साथ पहली बार इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 5 खिलाड़ियों ने मेडल पर कब्जा भी कर लिया, जिसके लिए टैंक सूडू स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ की पूरी टीम ने छत्तीसगढ़ की टीम को एवं उनके नेतृत्वकर्ता सिंसाई रंजन डे को ढेरों बधाइयां एवं शुभकामनाएं दी हैं। यह खेल कोई आसान नहीं है, इस खेल को जीतने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है और छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय प्रतियोगिता में खेलने गई इस टीम को सिहान दीपक कुमार गुप्ता का कुशल मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और सिंसाई रंजन डे के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की 8 सदस्यीय टीम ने राष्ट्रीय प्रतियोगिता में परचम लहरा दिया। फिलहाल टैंक सूडू की प्रदेश स्तरीय टीम बनाने के लिए एलाइट कराटे अकेडमी में खिलाड़ियों को खेल की बारीकियां सिखाई जा रही हैं और ये खिलाड़ी भी इन बारीकियों को सीखकर खुद को आने वाली अगली राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए तैयार कर रहे हैं, जहां पदक विजेता खिलाड़ियों ने अपने खेल और इसके लिए की गई तैयारियों की जानकारी दी। तो वहीं सिहान दीपक कुमार गुप्ता और सिंसाई रंजन डे ने इस खेल की विधा को बताया और राष्ट्रीय प्रतियोगिता की जानकारी दी। मैं पिछले लगभग 35 ईयर्स से मैं कराटे कर रहा हूँ और मैंने नेशनल लेवल में भी मैंने काफ़ी मैचेस खेले हैं, इंडिया छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट किया है और मैंने नेशनल गेम में भी मेरा नाम था, मैंने झारखंड में नेशनल गेम में भी मेरा नाम आया हुआ था और मैं काफ़ी सालों से मैं एलाइट कराटे एकेडमी के नाम से मैंने संस्था खोला है, जिसमें काफ़ी बच्चे नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर पार्टिसिपेट किए हैं और काफ़ी मेडल लेके आए। देखिए, ये एक टेंसुडो एक कोरियन मार्शल आर्ट है जो कई सालों से इंडिया में चल रहा है, लेकिन हमने पिछले 2 साल पहले हमने इसका एप्लीकेशन लिया था, स्टेट बॉडी लिया था, बट लास्ट 2 ईयर से कोविड की वजह से ये नेशनल नहीं हो पा रहा था, तो ये पहला नेशनल है हमारे छत्तीसगढ़ टीम के लिए जो न्यू दिल्ली में हुआ है, 8 नेशनल टेंसुडो चैम्पियनशिप, जिसमें हमारे यहाँ से 8 बच्चे पार्टिसिपेट किए थे जो छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट किए थे, जिसमें से 5 मेडल लगा, 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज। कंटिन्यू क्लासेस नहीं लग रही थी बट फिर भी हमने कोशिश किया था, हमारे साथ में हमारे सहयोगी कोच जो हैं रंजन डे और खिलेन सागरवंशी, एनके कुशवाहा, हम लोग चारों ने बहुत मेहनत किया बच्चों के पीछे और हमने कोशिश किया कि हमसे जितना बेस्ट के बेस्ट हो पाएगा हमने उसके लिए किया। जी 100 बिल्कुल 100% श्योर है कि ये बच्चे जो, क्योंकि हमारे लिए एक नया गेम था ये, हमने अभी तक जो भी किया कराटे फील्ड में किया तो कराटे में हमारा कॉन्फिडेंस 100% है, बट इस गेम में हमको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम था क्योंकि हमारे लिए नया गेम था, फिर भी हमने अपने आप में पूरी कोशिश की है कि ये लगभग 90% कराटे जैसा ही है, तो हमने पूरी कोशिश की कि हम अपने कराटे के जो हमारा जो टेक्निक है हम उसको यूज़ करें और उसमें बच्चे सफल भी हुए और उसका नतीजा यह है कि आज हमारे पास में पहली बार ऐसा हुआ कि छत्तीसगढ़ टीम पार्टिसिपेंट किया है, उनको 5 मेडल्स लगे, बिल्कुल दुर्ग जिले से बच्चे हैं 5 और अलग अलग क्लब में प्रैक्टिस करते हैं। सर ये मार्शल आर्ट से रिलेटेड ही है, उससे कुछ अलग नहीं है, बट इसमें क्या सर कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हम कराटे में करते हैं वो इसमें हम नहीं कर सकते, बस इतना ही अंतर है, बाकी गेम बहुत अच्छा है, हमने बच्चों को काफ़ी अच्छी तैयारी करवाई थी, बच्चों ने इसका अच्छा रिजल्ट भी दिया है, बट यह है कि उनके लिए ये टूर्नामेंट एकदम नया था, फर्स्ट पहली बार उन्होंने उसमें खेला है, तो उस हिसाब से फिर भी रिजल्ट बहुत अच्छा आया, उम्मीद तो और अच्छे होने की थी मगर फिर भी 5 मेडल हमारे लिए बहुत अच्छा मायने रखता है, इसके बाद आने वाले नेक्स्ट में और भी ज़्यादा और ज़्यादा गोल्ड लेके आएंगे। अभी ये जो गेम है टेंसुडो जो है ये मतलब प्रदेश की टीम गई थी लेकिन इस प्रदेश की टीम में सिर्फ दुर्ग जिले के ही लोग थे, आगे आने वाले समय में किस तरह से इसे पूरे प्रदेश में फैलाएंगे? नहीं सर, इसको तो पूरे प्रदेश में फैलाएंगे, उसके बाद उसका सिलेक्शन करके और ज़्यादा से ज़्यादा टीम के बच्चे यहाँ से बच्चे लेके आ जाएंगे छत्तीसगढ़ से। कराटे और अभी आपने गोल्ड मेडल लिया है, ये कौन से गेम में लिया है और प्रतियोगिता कहाँ पर हुई थी, कब से कब तक? ये न्यू दिल्ली में हुआ था, टेंसुडो नाम है स्पोर्ट्स का, कब से 13 से 17 तारीख के बीच में, अच्छी तैयारी थी सर, अच्छे अच्छे प्रैक्टिस कराया था हमारे कोचेस और सर ने, सर मैं
बहुत समय के। प्रिपेयर थे पूरा? यस। इस प्रतियोगिता के लिए पूरा प्रिपेयर थे? यस। अच्छा, वहाँ सामना किससे हुआ था? सामना सर हमारे असम वाली टीम से हुआ था और मध्य प्रदेश की टीम। आपको फाइनल में किसके साथ बाउट मिली? असम सर। देखा जाए तो सर हमारी टीम थी सर अच्छे से मेहनत करेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे और गोल्ड और कराटे। और एक नया गेम कराटे से रिलेटेड आया है, क्या है उस गेम का नाम? बहुत अच्छी तैयारी करवाई थी कोचेस ने और बाकी कोचेस का भी वो था। गेम कैसा है कराटे के मुकाबले, हार्ड है या लाइट है? थोड़ा सा हार्ड है लेकिन उतना नहीं, हम लोग फर्स्ट टाइम गए थे तो इसलिए हम लोग का हार्ड लगा था। क्या मेडल लगा आपका? सिल्वर। वो दिल्ली की। तो कहीं छोटी मोटी चूक हो गई जिससे आपको सिल्वर मेडल लगा? छत्तीसगढ़ की टीम ने प्रथम बार टैंकसूडू खेल के राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और मेडल प्राप्त कर लिए। इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में इस खेल पर छत्तीसगढ़ का आधिपत्य साबित हो सकता है और छत्तीसगढ़ के होनहार खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत देश का नेतृत्व भी कर सकते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।